स्टार्ट तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मेरे ड्रीम में तेरी एंट्री, जी भर के करे रोमांस जब सोएगी सारी कंट्री। हाँ जब सोएगी सारी कंट्री तो हम जी भर के रोमांस करेंगे वो भी ड्रीम में। सो ये इतना अच्छा एक सारेगामा का हम लोग को वीडियो ऑफर हुआ और हम लोगों ने ये सॉन्ग किया शबीना खान के साथ, बहुत मज़ा आया। और हम लोगों ने पूरा, इतनी बारिश हो रही थी और लॉकडाउन जस्ट ख़त्म ही हुआ था उसी दिन हमने ये सॉन्ग किया। मतलब जब हमारा जब 50% 4 o'clock तक का जब शुरू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से जब हम कर सकते हैं तो हमने इसको किया और हमने बिल्कुल कोविड के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसको किया। और दूसरी बात ये कि इतना हिट हो रहा है ये गाना, इतना लोगों को पसंद आने वाला है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे संजय दादा को, संजय बेड़िया। हाँ, दादा जिन्होंने हमको हमें स्टूडियो फ्री ऑफ द कॉस्ट दिया, थैंक यू दादा। एक्चुअली ये टीम के सपोर्ट की वजह से हो पाया है कि हमारे पास आर्ट डायरेक्टर नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। एक राखी की टीम, एक मेरे कैमरामैन की टीम और एक मेरी कोरियोग्राफर टीम, ये तीन टीम ने मिलकर और जो हमारे मैच स्टूडियो के जो गौतम डीओपी हमारे, इन्होंने मिलकर हमने एक टीम की तरह काम किया है। मतलब पूरा सारेगामा टीम, शबीना टीम एंड मेरी टीम और नितेश की टीम, नितेश की टीम। या राकेश जी आप वहाँ पे भी काफी हॉट लग रही है और यहाँ पर भी हॉट लग रही है, हॉट का राज क्या है? जी बचपन में मैंने दूध की जगह आग पिया था आग के गोले खाए थे, इसीलिए मैं हमेशा हॉट रहती हूँ सही है ना? That's the best thing, ये करेक्ट बोल रही है, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे कुछ हुआ होगा। लेकिन आपकी जो कॉस्ट्यूम है ऐसा लग रहा है बाजीराव मस्तानी, तो आपने एक ट्रेलर आपने दिखाया, ये पूरा गेटअप जो है वो शबीना ने पहले डिसाइड किया था, ये हमारे सॉन्ग में गेटअप था, पर वक्त पर जो डिजाइनर के टेलर है, जो डिजाइनर और टेलर, उनको कोरोना हो गया था और डिजाइनर मुंबई में नहीं थी, अपने हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही थी शिल्पी सक्सेना, और जो टेलर है वो लोग भी हॉस्पिटल में थे, वो टाइम पे पहुंच नहीं पाए, वक्त पे नहीं पहुंच पाए। हमारे पास टाइम लिमिट थी कुछ 7 से 8 घंटे में ये गाना कंप्लीट हुआ, 4 looks है गाने में। तो ये लोग, राखी ने सोचा कि आज हाँ रेडी हो गया, तो ये शबीना ने ये लुक डिसाइड किया था। ये लुक, अगर हम बात करें आपकी जो को स्टार है वो काफी है, लेकिन हम कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे थे आप दोनों के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा को स्टार? हीरो रुद्रा। क्या हुआ? कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था, मतलब रोमांस होना चाहिए था वो। अरे 3 मिनट के गाने में क्या रोमांस देंगे? एक्चुअली वो आइडिया भी नहीं था। हाँ। ये राखी का गाना था टोटल, लेकिन एक लड़के का रैप रैप है, हमने सोचा कि हमारे मेरे किसी असिस्टेंट से किसी करवा लेंगे, फिर राखी ने बोला, राखी के एक फ्रेंड है राजीव खेंची भाई, राजीव जो राखी के भाई भी है, सी सेड देयर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स है, शबीना किसी को, राखी का ये आइडिया है कि हम किसी मेरा फोन दे दे, हर गाने में हम किसी को एक नए को मौका भी देंगे। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी राखी की कि हम हर गाने में शबीना किसी एक को मौका देंगे, किसी को मौका मिलता नहीं है, तो राखी ने ये सोचा और इस तरह से यू नो लड़के का कैरेक्टर बना, क्योंकि हम हर वीडियो में विल ट्राई एंड गिव वन पर्सन अ प्लेटफॉर्म। राखी जी आप काफी लोगों को समर्थन करती है, लेकिन अगर हम बात करें सलमान सर की, आप दोनों ही बड़े फैन है सलमान सर के, तो केआर के काफी कुछ ना कुछ बोलते ही, क्या कहना चाहेंगे? मैं सच बता रही हूँ कि हर सलमान सर जो है वो कोहिनूर हीरा है, उनको टच करके सबको अब यू नो सोना बन जाना है, वो पारस है, भाई के नाम से पब्लिसिटी पाना चाह रहे हैं, पब्लिसिटी उठाई जा रही है, क्यों उन्हीं की फिल्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों उन्हीं के लिए? क्योंकि सामने वाला चाहता है कि उनको उनका जवाब दिया जाए, और मुझे लगता है ये रेडिकुलस चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए। आज सलमान सर से बड़ा मेगा स्टार इंडिया में कोई है नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल लव हिम, सो उनके चाहने वाले कम नहीं होंगे इसकी वजह से, लेकिन जो बंदा चाहता है वो काम होगा नहीं। राखी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, नहीं मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यार के भाई बंद करो, अभी थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में, यूट्यूब के आपके थोड़े चक्कर में आप किसी की बदनामी कर रहे हो, किसी की मेहनत को आप गालियां दे रहे हो, प्रोड्यूसरों के लाखों करोड़ों पैसे लगते हैं फिल्म बनाने में, और किसी की मेहनत को, भाई पता है कितना कम खाते हैं और बॉडी बनाते हैं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वो मेहनत तक आप पहुंच भी नहीं सकते, आप 7 जन्म लोगे तो भी सलमान खान बन नहीं सकते, के आर के ही रहेगा भाई, आप भी हमारे भाई हो, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं बोलती, लेकिन आपने पॉइंट ऑफ मेरे लेजेंड भाई सलमान खान को बोला है, बाकी जी तो फिर उनकी फिल्मों को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, तो जो उनकी फिल्म अच्छी नहीं होती तो उनका, लेकिन अच्छा किस फिल्म को बोला है उन्होंने आज तक? एक फिल्म तो बता दो,
एक फिल्म तो बता दो जिनको वो मतलब के वो अच्छा बोला हो, है ना? ये तो गलत बात है ना, किसी हर फिल्म के हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बात है ना भाई। पहले अपने आप में देखो कि आप में कितना प्रॉब्लम्स है, ये गलत बात है। आपको लगता है कि दुनिया का क्या, देश की जनता इस बात को मानती है कि दुनिया का बुरा बोलने से अपना भला हो सकता है? ये गलत, ये गलत है। पर्ल के लिए आप काफी इमोशनल रही हैं, आप दोनों ही इमोशनल रहे, क्या कहना चाहिए? बेल मिल चुके पर्ल को। एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट, एक्सट्रीमली थैंकफुल, बहुत प्रेयर्स किए, बहुत दुआएं मांगी है सबने, हम सब हम लोग बहुत खुश है पर्ल को बेल मिल गई है। हालांकि वो बेकसूर है, अननेसेसरी उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, बट पर्ल आप पर्ल नहीं हो, आप कोहिनूर हो और चांद में कोई दाग लगा नहीं है। कभी नहीं सोचना, आप जैसे पहले काम करते थे फ्रीडम से, आप वैसे ही काम करो। और आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हिट बैक। लेकिन आप काफी सपोर्ट लड़ी, आप मतलब हर कोई इतना खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन आपने कॉफी शॉप में खुलकर बोला। बिल्कुल, बिकॉज मैं पर्ल को जानती हूँ, एक इनोसेंट लड़का है, पता नहीं क्या ऐसा रहा है जो जिसने उसको यूज किया है, दैट्स इट। आखिर में आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं आपके, कोई नया प्रोजेक्ट? अभी तो ये हुआ है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे एक एक पत्ते धीरे धीरे खोलेंगे। खतरों के खिलाड़ी के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं आखिर में? मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जो मगरमच्छ को पेलेगा हम सबको, जो जानवरों को पेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो ऊपर से छलांग लगाएगा फ्लाइट फ्लाइट में से, हम उसको सपोर्ट करेंगे भैया। हाँ, मैं और शबीना जाएंगे अगले बार, और वहाँ पे खूब डांस वाला रोमांस, मतलब पूरे पूरे शो में हम डांस करेंगे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं मेरी और कश्मीरा की, या मेरी और देबोलिना की जोड़ी हो खतरों के खिलाड़ी में, हम सारे जानवरों को उधर मार वार के आएंगे। हाँ, बट अभी अभी शबीना ने भी बोला है, हाँ, तो चार एकदम एकदम जाके सेक्स इन द सिटी डांस वाले, हाँ, चार लड़के का सेक्स इन द सिटी, तो हम लोग कैप्टन में जाके एकदम सारे जानवरों को पेल देंगे। आपके प्रोड्यूसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया नए सॉन्ग के लिए? हमारे सारे गामा हमारे प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने बेहतरीन कोशिश की है कि इस सॉन्ग को अच्छा बनाए, अच्छा रिलीज करे, अच्छी पब्लिसिटी दे। अब देश की जनता इस सॉन्ग को सराहे, और यू नो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी जनता के हाथ में, हम लोगों ने अपनी मेहनत कर ली है, सारे गम अपनी तरफ से उन्होंने हमें सारा सपोर्ट किया, क्रिएटिव सपोर्ट। मेरी जनता बहुत अच्छी है, हाँ। मुझे बनाया ही जनता ने, बस है इस गाने को नंबर तो वन कर दो, वो जनता जरूर करेगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, लव यू डॉक्टर। थैंक यू, सेम। ओके यार, मेरा पैर दुख गया।